तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपीएल के स्टॉक के बारे में। यूपीएल के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे हम। अगर यहाँ पे स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है, ये हमको पिछले एक लंबे समय से यहाँ पर लगातार क्लियर डाउन ट्रेंड में ही देखने को मिल रहा है। हमको यहाँ पे स्टॉक में लोवर लो लोवर हाई वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हमको यहाँ पे स्टॉक में बीच बीच में यहाँ पर रिकवरी भी देखने को मिली, लेकिन स्टॉक ने कभी भी अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया और हमको यहाँ पे स्टॉक में लगातार गिरावट ही देखने को मिल रही है। लेकिन आज हमको यहाँ पे स्टॉक में 1.65% की यहाँ पर तेज़ी भी देखने को मिली है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात करें, यहाँ से अगर स्टॉक में तेज़ी कंटिन्यू रहती है तो यहाँ से भी और तेज़ी की कंडीशंस में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 488 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में 524, और अगर स्टॉक यहाँ पर इसको भी यहाँ ब्रेक करता है देन यहाँ हमको स्टॉक में अगेन 561, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 613 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 638, और उसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में अगेन 661 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में 690-700 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। वहीं यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो या तो गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 472 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में 455 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 442 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं ऐसे नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।